हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप आए हैं, वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला है ना। अब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको स्टोर करना, और जब आपको उसकी जरूरत होगी एग्जाम के अंदर, जब आप राइट करेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस, तब आप उसको रिट्रीव करेंगे, रिकॉल करेंगे, इसको हम कहेंगे। अगर आप करने में सक्षम हो पाए, अगर आप सक्सेसफुल हो पाए उन क्वेश्चन का जवाब देने में, तो आप हम कह सकते हैं कि आप सीख चुके हैं, आपने लर्निंग की है। क्या आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया व्हाट इज लर्निंग? अगर नहीं आया तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम कहते हैं व्हेन यू लर्न ड्राइविंग ए कार, एग्जाम्पल होगा हमारा ड्राइविंग ए कार। अब ड्राइविंग ए कार के दौरान अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन देखिए, अब जिससे आप जो ट्रेनर आपका होगा वो भी आपको सिखाएगा। सबसे पहले आपको की लगानी होगी, ठीक है। की के बाद आपको क्लच प्रेस करना होगा, प्रेसिंग क्लच। फिर स्टीयरिंग भी संभालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको इग्निशन ऑन तो हो ही गया होगा, की जब आपने लगाई है ना, वो सॉरी क्लच दबाने के बाद आजकल होता है न्यू गाड़ी के अंदर। तो हम देखेंगे स्टीयरिंग हो गया, रेयर व्यू मिरर हो गया, साइड व्यू मिरर हो गया, और रेस को जब आप इंक्रीज करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि क्लच, स्टेयरिंग, रेयर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, रेस को बढ़ाना। अब जब मैंने आपको ये बताया और आपने गाड़ी के अंदर देखा, महसूस किया, उनको हाथ लगाया कि भी हाँ ऐसे चल लेगी गाड़ी, तो आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने उसको स्टोर करने की कोशिश की माइंड में, और जब आप बार बार रिहर्सल करेंगे आपके ब्रेन के अंदर वो सेट हो जाएगी, और जब आप गाड़ी चलाएंगे तब आप उसको रिकॉल करेंगे बार बार उन चीजों को, और रिकॉल करेंगे आप उसका यूज करेंगे। ऐसे आप लर्निंग करते हैं। ऑब्वियस है, सभी एक्साइटेड हैं क्या हम कैसे सीखते हैं ये जानने के लिए। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, चेंजिंग सम इनटू नॉलेज। मतलब इन्फॉर्मेशन ली है हमने और इन्फॉर्मेशन को हम अपने नॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप एनवायरनमेंट से उठा रहे हैं उसको आप नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए, तो इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आप लर्न कर चुके हैं। वी कैन से दैट लर्निंग क्या होगी, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग। अब उसमें हो सकता है आप कुछ क्रिएट भी करना सीखे, जैसे कि आपको सिंपल गाड़ी चलाना सिखाते हैं। अब ये थोड़ी कहा जाता है कि आपको भीड़ में ऐसे कट लगाइए या स्टंट दिखाइए या ड्रिफ्ट कीजिए गाड़ी को, ये नहीं सिखाया जाता। लेकिन इंटरेस्ट क्या करवा देता है, मैंने बहुत सारे जो ड्राइवर देखे हैं जो काफी खतरनाक गाड़ी चलाते हैं ना, देख कर ऐसा लगता है कि हम भी ऐसी गाड़ी चलाएं कभी, ठीक है। तो वहां पर वो ड्रिफ्ट करते हैं कार को, गेम्स के अंदर आप देख कर ऐसा लगता है कि मैं रियलिटी में भी ऐसे ड्रिफ्ट कर सकूं कार को। अगर आप कर पाए तो आप क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे लर्निंग। अब बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी 1956 के अंदर, जिसको रिवाइज कर दिया गया था 2001 के अंदर, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कर लेते हैं बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिए गए तीन डोमेन कौन कौन से होंगे, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन देखिए, आपने कॉग्निटिव पहले भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कॉग्निटिव डोमेन क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन रिलेट करेगा हमारी ब्रेन से, मेंटल प्रोसेस से, जो हमारा माइंड है, दिमाग है, इससे जो रिलेटेड करता रिलेट करेगा, ठीक है। इसके जो कीवर्ड्स हैं, रिकॉल, कैलकुलेट, डिस्कस, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी इसके कीवर्ड्स हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन की बात करूं तो साइकोमोटर डोमेन क्या होगी, आपकी बॉडी के फंक्शन, जैसे आप बॉडी की मूवमेंट करते हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेन, यहाँ पर आपको है जो हम बेंजामिन ब्लूम वाली टैक्सोनॉमी में करेंगे हैंड, और यहाँ पर जो अफेक्टिव डोमेन आता है हमारा, ये हो जाएगा हार्ट। अब हार्ट क्या होगा, यहाँ पर फीलिंग्स। अब वो फीलिंग्स आपकी कौन कौन सी हो सकती है, हो सकती है फियर की हो,
हेट की हो, लव की हो, वर्शिप की हो, ऑनेस्टी की हो, अप्रिसिएशन की हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी फीलिंग्स मतलब जो आपके हार्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ये हो गए तीन डोमेन बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिए गए साइकोमोटर डोमेन के अंदर, डांस, स्विम, स्काई डाइविंग, ड्राइविंग ए कार, राइड ए बाइक, जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर आपको याद करनी है या फिर समझनी है वो है डोमेन आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दीज आर इंटर रिलेटेड, ये अलग अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड है। कुछ यूं लगा लीजिए आप, यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन लगा लीजिए, ये अफेक्टिव, और यहाँ पर साइकोमोटर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इफेक्टिव है ना कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है ये, कभी आप इफेक्टिव लिख दे एग्जाम के अंदर, इफेक्टिव तो प्रभाव होगा, इफेक्टिव आपकी फीलिंग से रिलेट करता है। आई होप आपको लर्निंग और तीन डोमेन अब तक समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी पर, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेमोरी मैंने इन शॉर्ट आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता देता हूं आपको। शुरुआत करते हैं सेंसरी मेमोरी से, जो कि हमारा पहला पार्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको एसटीएम इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, और इसको थर्ड जो कि हमारी एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी। ओके, अब सेंसरी मेमोरी को कैसे समझेंगे, हमारी फाइव सेंसेस से। आपकी फाइव सेंस आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होंगी कौन कौन सी है, कैसे हम फाइव सेंसेस की मदद से इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं हमारे एनवायरमेंट से, है ना। तो अब सेंसरी मेमोरी वही है जब हम एनवायरनमेंट में अवेलेबल वैरायटीज ऑफ इंफॉर्मेशन को टुगेदर मतलब गैदरिंग करते हैं उसको, इकट्ठा करते हैं उसको। अब वो लाइट हो सकती है, साउंड हो सकता है, स्मेल, हीट एंड कोल्ड, कुछ भी हो सकता है, हमारा एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन से बिल्कुल भरा पड़ा है, है ना। अब देखिए वो इंफॉर्मेशन क्या आपको ऐसे ही समझ आ जाती है कि आपको अगर मान लीजिए लाइट्स अगर आपने देखी कि भी अरे आसमान में लाइट है, तो क्या वो लाइट एज इट इज आपके ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंच गई, नहीं, उसको ट्रांसड्यूस किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है हमारे रिसेप्टर्स के द्वारा, जो स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो उनको बदलते हैं उस लैंग्वेज के अंदर जिससे हमारा ब्रेन उसको समझे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कंप्यूटर। जैसे कि आपको पता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर, कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, है ना। बाइनरी लैंग्वेज मींस 0 and 1। अब ऐसे ही हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। और हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं, जो ये रिसेप्टर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ये ट्रांसड्यूस करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के अंदर, तब वो जाकर हमारी इंफॉर्मेशन को समझ पाते हैं। ये है सेंसरी मेमोरी, सेंसेस ऐसे काम करती हैं। आप अभी अगर ये सीख पाए और इसको इम्प्लाइड जो इम्प्लीमेंट कर पाए, तो इट मीन्स आप लर्न कर चुके हैं, कुछ ना कुछ आपने लर्निंग की। अब रही बात सेंसरी मेमोरी पर, जब हम अटेंशन पे करते हैं, यहाँ पर जब हम अटेंशन पे करते हैं किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी इंफॉर्मेशन, मान लीजिए अब आपने आपके सामने से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, उसने ड्रेस वेल की गई है और परफ्यूम लगाया है, क्या लगाया है, परफ्यूम, परफ्यूम हो सकता है फोक का हो, परफ्यूम हो सकता है ब्लैक करंट हो, परफ्यूम हो सकता है आपका जो पुराना परफ्यूम आता था ना कोबरा, कोबरा हो, डेनवर हो, सेटवेट हो, वर्साचे हो, कुछ भी हो, है ना। तो अगर आपने वहां पर अटेंशन की, उस स्मेल पर अटेंशन की, आपने की वाओ अच्छी स्मेल है, है ना, तो आप क्या कहेंगे, ये तो फोक परफ्यूम है। आपने जब अटेंशन दी तब आपकी ब्रेन के अंदर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाएगी, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आप गौर करते ही नहीं है, है ना। अब आपने अगर नोट किया होगा आपको बैकग्राउंड में कौन सा नॉइज सुनाई दे रहा है, हो सकता है ट्रैफिक का नॉइज, जो हॉर्न है, ठीक है, या फिर फैन का साउंड आपने सुनाई, लेकिन आपका अटेंशन किस पर है, जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं, देखिए एक और बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो ये सेंसरी मेमोरी जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ये कॉन्शियसली कंट्रोल्ड नहीं होती, ये सबकॉन्शियस लेवल पर होती चली जाती है। अब मान लीजिए साथ में किसी ने पकोड़े बना, जो कोई भी मान लीजिए बना रहे हैं पकोड़े बना रहे हैं, तो स्मेल ऑटोमेटिकली जाएगी, अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक अटेंशन जाएगी, अरे पड़ोसियों ने तो पकोड़े बना दिए भाई, चलो उनके चलते हैं, या फिर मम्मी आप बनाइए घर पकोड़े। तो ऐसे ये अनकॉन्शियसली काम करती है, ठीक है, कॉन्शियसली इस पर कंट्रोल नहीं होता। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखी है,
अब मान लीजिए आपने टेंशन की है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझने से पहले हम सेंसरी मेमोरी के पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, जो कि टाइप्स होते हैं हमारे। टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी जो कि हम थ्रू आईज, इकोइक मेमोरी ईयर की मदद से हमारे जो कान हैं उनकी मदद से सुनते हैं, और हैप्टिक हमारी स्किन जिससे कि हम टच से महसूस करते हैं। ये टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की। शॉर्ट टर्म मेमोरी STM इन शॉर्ट हम राइट डाउन कर रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर मिलर ने कहा कि बिल्कुल लिटल अमाउंट में ही जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। अब ऐसा क्यों कहा गया भाई, देखो अब ये माइलर कौन थे, जॉर्ज मिलर। 1956 के अंदर इन्होंने एक मैजिक नंबर दिया जिसको मिलर मैजिक नंबर से जानते हैं। अब इसको स्टडी कर दे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, आपको सुनने या समझने के बाद काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए इन्होंने ये कहा कि कई बार हमें जो क्या करना मिलता है, जैसे कि एक साथ आप 10 गाड़ियों के नंबर या 10 बाइक्स या फिर आपको 10 नाम मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल हमारा होगा यहाँ पर अभिनव, आकांक्षा, आकृति, आलोक, अल्ताफ, आशीष, और क्या नाम लें यहां पर हम, आरोग्य, अमेजोन, या फिर हम दें यहाँ पर एक अवलोक लेते हैं यहाँ पर। अब ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, अगर मान लीजिए फर्स्ट एक्सपोजर में मैं आपको बताऊं अभिनव, आकांक्षा, आकृति, आलोक, अल्ताफ, आशीष, आरोग्य, अमेजोन और अवलोक, अब आप ये टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं ये नहीं है कि भी हवा में बात है या फिर स्टडी है जो मैंने एज इट इज पढ़ा दी है, आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये 7, 8, 9 जो भी नाम लिए हैं इनमें से आप कितने नाम रिमेम्बर कर पाएंगे सिंगल एक्सपोजर में, ठीक है। कभी आप बार बार पढ़ ले और फिर आप कहें मुझे तो काफी याद होगा, आप नोट करेंगे आप में से ना मैक्सिमम, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उनमें से मैक्सिमम को अमेजोन याद रहेगा। क्यों याद रहेगा, क्योंकि वो डेली लाइफ के अंदर इससे फैमिलियर हैं। बहुत बार हो सकता है दिन में वो एक बार अमेजोन का शॉपिंग ऐप है जो चला लेते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है उनमें से किसी के भाई का नाम हो, बहन का नाम हो, या फिर किसी फ्रेंड का हो, ठीक है, या फिर किसी के फादर पेरेंट्स का नाम हो, रिलेटिव्स का हो, तो वो उनको नाम याद रहेगा। ये तो थे जो अफेक्ट करेंगे स्टडी को। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर जैसे कार के नंबर हो गए, अननोन कार्स के नंबर, या इन नामों में से ले लीजिए फर्स्ट एक्सपोजर दे दिया जाए, तो ये स्टडी कहती है कोई भी इंडिविजुअल्स या तो 7 या फिर सॉरी 7 नहीं, या तो 5 और या फिर 9 आइटम्स को रिमेम्बर कर पाएगा सिंगल एक्सपोजर के अंदर। यहाँ पर जो प्लस और माइनस 2 है फ्रॉम द नंबर ऑफ 7 में से आप 2 या तो माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, या हम कह सकते हैं इनिशियली 2-3 वर्ड और जो हमारे आखिर के 2-3 वर्ड हैं उनको ही कोई पर्सन याद रखेगा। इसलिए इसको माइलर मैजिक नंबर कहा गया है, 5 और 9 के अप्रोक्सीमेट है जो व्यक्ति है जो याद कर पाएगा या फिर रिस्पॉन्स कर पाएगा, ओके। अब आती है लॉन्ग टर्म मेमरी। लॉन्ग टर्म मेमरी को समझने के लिए जैसे मैंने बताया आपको, सेंसरी मेमोरी से STM मेमोरी में जाएगी कब, जब हम उस जो स्टिमुलस को या एनवायरनमेंट उस इंफॉर्मेशन पर अटेंशन पे करेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पर सेंसरी मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही इंफॉर्मेशन जाएगी जब हम यहाँ पर है जो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना जो, वो रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज कंसिडर की जाती है। इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो मीनिंग पर और इम्पोर्टेंस पर ज्यादा मायने रखेगी। अब ऑब्वियस है, मान लीजिए अगर मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अभी देख लीजिए, ये देखें 9053757673, लास्ट वीडियो में भी मैंने यही दिया था ना, सॉरी जो हमारी फर्स्ट चैप्टर था उस वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल लिया था। अब हो सकता है ये नंबर आपके फादर का, ऑब्वियस है, तो आप इसको याद करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है,
ये मीनिंगफुल है ना, या फिर आपके फ्रेंड का नंबर है तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जिस पर आप फोकस करेंगे ही करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर की जाती है वो उसकी मैसेज की इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करती है, मैसेज का मीनिंग क्या है आपके लिए उस पर डिपेंड करती है। लॉन्गर ए मेमोरी स्टेड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, जितनी ज्यादा देर शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना ही चांसेस होंगे कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। मीनिंगफुलनेस और इमोशनल कंटेंट एंड आइटम में प्ले ए ग्रेटर रोल इन द रिटेंशन इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर इमोशनली आप किसी इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव्स का या आपके फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हो जाए, ऐसा ना हो खुदा ना करे, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, या आप इमोशनली अटैच्ड हैं उन पर्सन से ज्यादा कि आप उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है, या उनसे रिलेटेड जो यादें हैं वो आपके ब्रेन के अंदर तुरंत जा सकती है। तो ये होगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो ये होता हमारा मेमोरी का कॉन्सेप्ट, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है और आपको देखने को भी मिलेगा ये शॉर्ट नोट, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी। एक बार और ये आगे फर्दर जो मेमोरी वाले टॉपिक में फिर करेंगे, वहां पर हम इसके जो पॉइंट्स टू द पॉइंट्स को याद करेंगे, अभी हमने सिर्फ समझा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आप 9th 10th ये में आप पढ़कर आए हैं और आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर रिपीट और रिहर्सल करनी होगी ताकि ये कॉन्सेप्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए और आप इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी टॉपिक खत्म नहीं हुआ था। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी टाइप्स हैं, जैसे कि हमने सेंसरी मेमोरी के पढ़े थे यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर लेते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। अब देखिए इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। अब आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं। अब आप में से ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने व्यक्ति हैं जो कि ऐसे मतलब यूं खुद को बता के ब्रश करते हैं कि अभी मैं अभी राइट की तरफ, अभी लेफ्ट की तरफ, अभी सामने, अभी अंदर, अभी ऊपर, अभी नीचे, ऐसे डेली ब्रश करते हैं, नहीं करते ना। या फिर आप जब मान लीजिए आपको कार चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, आप कितने हैं कि आप डेली यूं करते हैं, क्लच दबाया, पहला गियर, ब्रेक छोड़ो, ठीक है। या फिर आप जो अपनी शर्ट को बटन कर रहे हैं, ठीक है, आपने नोट किया होगा आपकी कौन सी शर्ट पे कितने बटन है, करते हैं कभी नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मेमोरी, चले हमारे जो ब्रेन के अंदर अनकॉन्शियसली ये प्रोसेस होते हैं, एक बार हमें सीखने की जरूरत है लेकिन उसके बाद हमारे ब्रेन के अंदर अनकॉन्शियसली होती रहती है, हमारा जो ब्रेन है इनके लिए ट्रेन हो जाता है और हमें जरूरत ही नहीं पड़ती उन पर ध्यान देने के लिए। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ओके, रेफर टू अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक मेमोरी, इट यूज द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस अनुभवों का यूज करते हैं, टू रिमेंबर थिंग्स विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम, बिना सोचे विचारे हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए ड्राइविंग ए कार, बटनिंग ए शर्ट, ब्रशिंग योर ट्रे, टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, सिंपली कुकिंग टास्क सच मैगी और पास्ता बनाने में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अचानक आपको कह दिया जाए कटहल बना लीजिए तो आप भी शायद YouTube पर जाएंगे भाग करके भी, चलो आसो कटहल की सब्जी देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इम्प्लिसिट मेमोरी हो गई, अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। इट इज अ नॉलेज और एक्सपीरियंस दैट कैन बी कॉन्शियसली रिमेम्बर्ड, सच एज फैक्ट, डाटा, एपिसोड और इवेंट्स। वो मेमोरीज, वो इवेंट जो आप कॉन्शियसली याद कर पाए, रिमेम्बर कर पाए, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई आपकी लाइफ की इवेंट हो सकती हैं, ठीक है। आप एक्सप्लिसिट मेमोरी के भी दो तरह, दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी किसे कहेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को, आपका पहला क्रश, या फिर हो सकता है आपने जब पहली बार उनसे बात की हो, वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से नहीं जा सकता, है ना। या आपने जब पहली बार गाड़ी एक्सीडेंट की हो, वो एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ से नहीं जा सकता। वो आपको याद रहता है कि एपिसोड्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ही आप किसी की गाड़ी या उस रास्ते से भी गुजरेंगे तो आप कहेंगे इस पेड़ से मैं टकराया था या इस व्यक्ति से मैं टकराया था, है ना। तो एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी होती है। तो वी नो द सिटी वी वर बोर्न एंड रिमेंबर योर 17th बर्थडे, ये तो आप मुझे पता याद रखते ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ये आप भूलेंगे नहीं, है ना। सिमेंटिक मेमोरी बात कर लेते हैं, वो नॉलेज और फैक्ट्स, कंसेप्ट अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के रिगार्डिंग, ये आप ऑब्वियस याद कर पाएंगे, ग्रास इज अ ग्रीन, व्हाट ए डॉग इज नोइंग हाउ टू यूज फोन, ये आती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी में। अब हो गया भैया जो मेमोरी का कंप्लीट टॉपिक, है ना।
अब मेमोरी का कंप्लीट टॉपिक हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके फर्दर टाइप इम्प्लिसिट मेमोरी और यहाँ पर एक्सप्लिसिट मेमोरी, ये फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। और सेंसरी मेमोरी के अंदर हमने यहाँ पढ़ा इकोइक मेमोरी और कौन सा था हैप्टिक और एक विजुअलाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आई होप एग्जांपल्स के साथ आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर। देखिए अब आपने समझ लिया है लर्निंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस आपको भी सिर्फ बताया है, क्योंकि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन उस टाइम जब साइकोलॉजी की स्टडी चल रही थी, इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, काफ़ी एक्साइटेड थे लोग ये जानने के लिए एक व्यक्ति कैसे चीज़ों को लर्न कर पाता है, कैसे सीखता है, ठीक है। तो वहाँ पर एल्रिक नाइजर जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं 1967 में, इन्होंने जो एक जो डेफिनेशन दी कि हम जो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास नंबर, उसको स्ट्रक्चराइज करेंगे, फिर हम उसको स्टोर करेंगे, फिर रिट्रीव करेंगे और फिर हम उसका यूज करेंगे। ये तो था एक जैसे हिंट दे दिया मैंने आपको, लेकिन सीआईपी मॉडल को करने से पहले हम उसके प्रिंसिपल करेंगे। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रिंसिपल्स में हम पहला प्रिंसिपल करेंगे अजम्पशंस ऑफ ए लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मेंटल सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ भैया, कि हमारे ब्रेन के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ना, तो उसकी एक कैपेसिटी है, आवर ब्रेन हैज कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट ए पर्टिकुलर पीरियड, इट मींस आवर ब्रेन हैज इट्स कैपेसिटी, हम कह सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर वाटर बोतल का, मान लीजिए आपने एक पानी की बोतल के अंदर है जो क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और अब आप इसको है जो खाली करना चाहते हैं सिंगल थ्रो के अंदर, कि आपने ऐसे उड़ेल दी और फिर आप ऐसे सीधी कर ली, क्या आप ऐसा कर पाएंगे, शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है पानी के बाहर निकलने की जो प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन बोटल नेक, है ना। ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान हमारे ब्रेन से कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी उसकी एक कैपेसिटी है, है ना। तो assumptions of a limited capacity of the mental system, ये क्या कहेगा, amount of information that can be processed by the system is constrained in some very important ways, ये था हमारा पहला principle। second principle है control mechanism is required to oversee the various process of information, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि human brain है ना वो complete capabilities का use नहीं करता, मतलब whole day के अंदर, मतलब मान लीजिए आपने जिस तरह मान लीजिए आपने गाड़ी सीखी है ना, अभी हमने कार का एग्जांपल लिया था, सभी हमने जो की पॉइंट्स आपको बताए, प्रेसिंग द क्लच, चेंजिंग द गियर, व्यू, रियर व्यू मिरर चेक करना, साइड व्यू मिरर, पेस को बढ़ाना, है ना, ये सभी चीजें जब आप इनिशियली गाड़ी सीखते हैं, जब आपका फर्स्ट डे होता है, तब आप कितने कॉन्शियस होते हैं बताइए। इंफॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन ली उसको याद करेंगे, बार बार मन ही मन में रिपीट करेंगे ताकि वो आपके मन में बैठ जाए और फिर उनको आप एक्शन में उतार सके, कि हम है जो उनको एक्शन एक्ट कर सके उन इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जब आपको गाड़ी आ गई, मान लीजिए आप तो आपने सीख रहे थे, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपने गाड़ी आ गई, और आपको गाड़ी आने के बाद आप क्या करें, फोन पे बात भी कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, है ना, तो साथ के साथ आपको ही आ रहा है, उसको देख भी रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर काम करता है हमारा ब्रेन। मान लीजिए कोई गाड़ी या कोई नया टास्क कोई सीख रहा है, नई इंफॉर्मेशन से वो कॉन्फ्रंट कर रहा है, आमना सामना हो रहा है, तो उसके माइंड को प्रोसेस करने में ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, ठीक है, फंक्शन रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग पावर देन व्हेन वन इज डूइंग ए रूटीन टास्क, जो कि वो कंपेरेटिव इस कंपेरिजन में जो तो उसकी डेली लाइफ रूटीन के जो टास्क हैं, जो उसको फैमिलियर है जिनसे, मान लीजिए उसको साइकिल पहले से आते हैं, तो साइकिल चलाने में थोड़ा वो इतना कॉन्शियस होगा कि बेबी कोई आ जाएगा तो मैं ब्रेक ना लगाऊं या ब्रेक लगाऊंगा ऐसे। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को समझेंगे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है भैया, बॉटम अप प्रोसेसिंग। देखिए
ये आपके नेट में भी आता है, ठीक है। बॉटम अप प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन बॉटम अप का मीन्स क्या है, जब हम हमारी सेंसेस का यूज करके इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करते हैं, मेमोरी तक लेकर जाते हैं, ठीक है। तब आपने देखा कि हाँ ये बिल्कुल सॉफ्ट है या गर्म है या ठंडा है, आपने हाथ लगाया, या आपने स्मेल किया, ये स्मेल अच्छी है, ये अच्छी स्मेल नहीं है, या फिर आपने देखा वो सुंदर है या फिर वो हैंडसम है, ऐसा है ना। तो वो क्या होता है, ये सेंसेस के थ्रू आप अपनी मेमोरी के अंदर कॉन्सेप्ट बना रहे, दैट इज द बॉटम अप प्रोसेसिंग। लेकिन टॉप डाउन प्रोसेसिंग कौन सी होगी, जब आपके माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फ्रूट्स, सबसे पहले आप क्या किया, आपके पेरेंट्स ने बताया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैरेट, ये तो वेजिटेबल हो गया ना, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बताया। जब आपने सुना और आपने उनको देखा, सेंस किया और मेमोराइज कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है मुझे फ्रूट्स ही लेना है, तो आप वेजिटेबल्स के पास जाएंगे नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में है उसके बिहाफ पर आप डिसीजन ले रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ओके, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो दो तरीके से होता है, एक तो हो गया हमारे पास टॉप बॉटम अप प्रोसेसिंग, एक हो जाता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब फोर्थ जो प्रिंसिपल आता है, काफी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, ये कहता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज जेनेटिकली प्रिपेयर्ड टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक वे। कि जो ह्यूमन है ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर जन्मजात ही कुछ फीचर्स होते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, ऑर्गेनाइज करने के। अब ये किस आधार पर कहा गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गाँव में पैदा हुआ है, कोई बच्चा है गाँव में, कोई शहर में और कोई फॉरेन कंट्रीज के अंदर, क्या आपको लगता है कि उनके जो कुइंग बैबलिंग जो साउंड करते हैं या रोने की या फिर मम्मी पापा कहने की जो एक उम्र है या फिर जो हम कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस करते हैं एक उम्र तक, वो बिहेव सेपरेटली करेंगे कि कोई किसी ने तो 2 महीने में ही कर दिया या किसी ने 10 दिन में ही बोल दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि सभी का एक पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है ह्यूमन ब्रेन के अंदर जेनेटिकली, ये जो सेट है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, एशियन हो, यूरोपियन हो, व्हाटएवर, है ना। तो हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये हमारे 4 प्रिंसिपल आपने पढ़े। आई होप आपको प्रिंसिपल भी क्वेश्चन आता है, रिसेंटली आया था, ठीक है। हमने क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चन पेपर चैनल पर डाल रखे हैं, वहां पर जाकर आप जो सर्च कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए, क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस लीजिए, नोट्स लीजिए, पढ़िए और अपने मौज कीजिए, है ना। अब हम करेंगे CIP मॉडल क्या होता है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि वर्किंग मेमोरी पर काम करता है, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी लिमिटेड बताई गई है और जो कि कॉग्निटिव लोड को बियर करेगी। आप कॉग्निटिव लोड को समझेंगे और कौन कौन सी प्रोसेसेस जो कॉग्निशन के अंदर आती है वो समझेंगे। CIP मॉडल देखिए, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये है हमारा, वर्किंग मेमोरी पर बेस्ड है, लिमिटेड कैपेसिटी है और ये बियर करता है कॉग्निटिव लोड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा तुरंत। कुछ भी ना समझ आए कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर समझ आ जाए तो भी कमेंट करना भैया, ठीक है। आप चलते हैं कॉग्निटिव लोड क्या होता है। देखिए कॉग्निटिव लोड की डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है, कॉग्निटिव लोड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क इम्पोज्ड ऑन वर्किंग मेमोरी, जितना काम हम हमारी वर्किंग मेमोरी पर थोप रहे हैं, भाई कर तू कर। जैसे कि एक ही दिन में गाड़ी सीखना शायद इम्पॉसिबल है, अगर आप हैंडलिंग सीख सकते हैं लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस को आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ एक्सपीरियंस को मतलब मैनेज करने में कि कोई सामने आ रहा है, ठीक है। एक दिन में गाड़ी सीखना मुझे इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हो सकता है कोई सीख भी रहा हो, भी किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसने अपने जो वर्किंग मेमोरी पर कितना लोड डाल दिया, तो हम इसी को समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोसेसिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो कि हम एनवायरमेंट से लेंगे, ठीक है। ट्रांसफरिंग, अब इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब जब आपको यूज़ होगी, कोई सामने आ गया आपको ब्रेक प्रेस करने, तो आपका ब्रेन कहेगा भैया ब्रेक प्रेस करो, तब आप उसको यूज़ करेंगे, रिट्रीव करेंगे, रिकॉल करेंगे, हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे हमारी वर्किंग मेमोरी पर हम जो कॉग्निटिव, या हम कह सकते हैं लोड डाल रहे हैं, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहेंगे, या तू काम कर भाई ब्रेन, खाली मत बैठ, है ना। तो ये मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कंप्यूटर, ये मॉडल कहता है
कि ह्यूमन ब्रेन काम करता है कंप्यूटर की तरह। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है ये मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे इसके साथ। इससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन पुट करता हूँ आपको कि भी मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ह्यूमन ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है या कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के आधार पर बनाया गया है, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो। ठीक है, अब कंप्यूटर काम कैसे करता है भैया, जैसे मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन डाली, इनपुट जिसे हम कहेंगे, इनपुट क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करने के बाद वो आपको आउटपुट देगी। तो ये जो मॉडल है ये कहता है कि हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है, वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। ओके, उसके बाद हम समझेंगे एक नोट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो, या आपका फ्रेंड जो आपसे कम उम्र में बहुत छोटा हो, एक आप खुद हो गए सेल्फ और एक आपके फादर हो गए। ठीक है, अब एक ओपिनियन लीजिए आप, मान लीजिए आप शॉप करना चाहते हैं किसकी, आइसक्रीम की। अब आइसक्रीम की शॉप के रिगार्डिंग इनका ओपिनियन क्या होगा ये बताइए आप। ये तो यही कहेंगे मुझे तो दिन में 2 आइसक्रीम खानी है, मुझे तो दिन में 4 आइसक्रीम खानी है ना। सेल्फ कहेगा कुछ और, फादर कहेंगे एक ग्रेट ओपिनियन देंगे, वो दूर तक की सोचेंगे कि भी हाँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कि तुझे गर्मियों में शुरू करना चाहिए, इससे है जो पता लगेगा कितनी सेल होगी, या हम सर्दियों में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे। मतलब पूरा, मतलब चारों तरफ सोच विचार करने के बाद आपको फादर आपके ओपिनियन देंगे, और सेल्फ आप वहीं तक देख सकते हैं जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फादर का एक्सपीरियंस कहेगा। और जो आपसे छोटे हैं उनका क्या है, वो तो बिल्कुल इकोसेंट्रिक है, तो अपने बारे में ही सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, वो मैच्योरिटी और एक्सपीरियंसिस के साथ है जो बढ़ती चली जाती है, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी कहेंगे। फ्लेवोल इट ऑल ने ये जो कुछ फैक्टर्स बताए जिससे हमारी मेमोरी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, ना समझ आए तो हमसे कमेंट करके पूछिएगा। अब हम बात करते हैं कैसे हम इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। अब इनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया, रिसीव करना, हम हमारी 5 सेंसेस की मदद से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। अब जब हम रिसीव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमारा पहला अनुभव किसी भी इन्फॉर्मेशन के साथ कैसा है, इसको हम एनकोडिंग कहेंगे। सीधी सी बात है, इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ परसीविंग लर्निंग इन्फॉर्मेशन को एनकोडिंग कहेंगे, कि हम एनकोड कर रहे हैं बाहर से इन्फॉर्मेशन, अपने अंदर डाल रहे हैं, उसको एनकोडिंग कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है, आपके स्कूल कैंपस में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड सुनाई देंगे, बहुत सारे जो आपको सीनरीज देखने को मिलेंगी, पेड़ पौधे पे जो पक्षी देखने के, सामने से टीचर जा रहे हैं, प्लेग्राउंड के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और आप बिल्कुल सुस्त चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। तो आपके कॉलेज कैंपस में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एग्जांपल बच्चों का दे दिया और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, ये एग्जांपल ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आप सभी को रिसीव नहीं करते, ऑब्वियस है, लेकिन मान लीजिए आपका बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पर देखेंगे, अच्छा वो गोल कर दिया उन्होंने, बास्केट डाल दिया है ना, तो गोल नहीं होता वहाँ पर, फुटबॉल में होता है गोल, तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है एनकोडिंग के, वो क्या है, सिलेक्टिव और प्रोलिफिक, ये 2 प्रिंसिपल है। सिलेक्टिव, जैसे कि मैंने अटेंशन में आपको समझाया था, अटेंशन के अंदर है जो हमने सिलेक्टिव किया था, है ना, तो वही सिलेक्टिव यही है, वी अटेंड टू सम इवेंट इन आवर एनवायरमेंट एंड इग्नोर अदर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, इमोशनली जिससे अटैच्ड हैं, जो सिलेक्टिव है उसी पर आप फोकस करेंगे। और हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी काफ़ी इवेंट्स होती हैं जिसमें हमें जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली हमारे लाइफ के अंदर क्या चलता रहता है, हम डेली स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वही रूटीन होती है, हम कुछ भी नहीं करते। अगर जो सुस्त बच्चा है, अगर मान लीजिए कोई एक्टिव है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, वो क्या करेगा, शरारतें करेगा, कभी किसी के साथ छेड़खानी करेगा ना, और ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, ये कोई मतलब नई बात नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे डेज फिल्ड विद रूटीन अक्रेंस के साथ भरे हुए होते हैं, और वी डू नॉट पे अटेंशन टू एवरीथिंग, और हम हर किसी चीज़ को अटेंशन देना ज़रूरी समझते ही नहीं। अब सडनली, जैसे कि आप, मैंने बताया कैंपस में चल रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ डेली हो रही हैं, जो साउंड वगैरह की हैं या सीनरीज वगैरह की हैं,
लेकिन अचानक से आपने नोट किया कि आपके प्लेग्राउंड के अंदर एक तेंदुआ आ गया या फिर एक पिंजरे में तेंदुआ लेकर आ गए, तो आप सोचेंगे अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये कहाँ से आ गया, है ना, कुछ अलग हो रहा है वहाँ पर, उसको आप अटेंशन देंगे, ठीक है। वी पे क्लोज अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई आर सीइंग व्हाट वी आर सीइंग, हम क्या देख रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं ऐसा। तो ये थे हमारा एनकोडिंग की प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या है, देखिए अब ये जैसे कि हमने पढ़ा डेवलपमेंटल मेमोरी के अंदर, ये जो हमारी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते चले जाते हैं, ये हमारी जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल्स हैं उनको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस आर टू फैक्टर विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। चिल्ड्रन आर टोट टू रिपीट और रिहर्स। हम बच्चों को कहते हैं बार बार बोलिए ए फोर एप्पल, ए फोर एप्पल, है ना, बच्चों को कहा जाता है अक्सर। या फिर आप खाना अच्छी तरह खाएं, खाना अच्छी तरह खाएं, आप चेहरे को साफ करें खाना खाने के बाद, ऐसी चीज़ें हम बार बार सिखाते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, धीरे धीरे सीख जाते हैं, वो अपने आप काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कैटेगराइजेशन हो गया, मान लीजिए आपने फ्रूट्स नेम बता दिया बच्चों को या वेजिटेबल्स बता दिए और उनको मिक्स कर दिया आपने, और मिक्स करने के बाद आप कहते हैं कि इसको जो आप सेपरेट करें, तो वहाँ पर वो कैटेगराइज्ड करेगा, ठीक है, वो पहचानेगा कि भी मामा कौन से हैं और चाचा कौन से हैं, है ना, तो इन्फॉर्मेशन ही है वो भी एक किस्म से। तो लाइफ के अंदर हर जगह आप साइकोलॉजी को देख सकते हैं, उनकी टर्म्स को देख सकते हैं। अब आती है बात स्टोरेज और रिट्रीवल की। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम जो अभी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले रहे थे, ऑर्गेनाइज करने वाले में, मान लीजिए अब ये नोट्स हैं, नोट्स आपने लिए हैं, मैंने बताया सबसे पहले एनकोड कीजिए, एनकोडिंग होगी, फिर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, फिर उसके बाद आप स्टोर करेंगे, स्टोरेज होगी, और फिर रिट्रीव करेंगे। अब ये क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। अब ये स्टेप्स मान लीजिए आप स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं, तो इट मीन्स आप है जो इसको स्टोर कर पाएंगे, और अगर आप स्टोर कर पाए तो आप एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लिख पाएंगे या फिर और क्रिएटिव वे से आप इनको लिख पाएंगे। तो स्टोरेज एंड रिट्रीवल यही है। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्फॉर्मेशन नीड टू बी स्टोर्ड इन ऑर्डर टू रिट्रीव व्हेन इट इज़ नीडेड। अब इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत होगी कि वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाए, और जब कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तब हम है जो उसका यूज़ कर सकें, है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड एंड अडल्ट आर एट डिफरेंट लेवल। ऑब्वियस है भैया, चाइल्ड के ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अलग होगी और अडल्ट की कैपेसिटी अलग होगी। तो दीज कैपेसिटी डेवलप होती है इंक्रीज ओवर द टाइम ग्रोइंग मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस के साथ, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। अब जो ये है, बेयर मैंडलर एंड उनके कलीग्स ने कैपेसिटी बताई चाइल्ड्स की कि 3 एक्ट इन सीक्वेंस ए चाइल्ड कैन डू इन 13 मंथ। मतलब 13 मंथ की एज के अंदर एक बच्चा 3 एक्ट सीक्वेंस के अंदर कर सकता है, 24 मंथ्स में 5 एक्ट सीक्वेंस में, और 30 मंथ के अंदर 8 एक्ट सीक्वेंस के अंदर कर सकता है, वो भी सेपरेट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन रहेगा। देखिए जैसा कि हमने कॉग्निटिव डोमेन, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, थोड़ा पानी पूनी पीजिए, है ना, वॉशरूम जाके आइए, चेहरा धो के आइए, थोड़े फ्रेश हो जाइए और फिर पढ़िए। क्योंकि देखिए वीडियो एक जो कंटिन्यू एक ही वीडियो में बनाने का जो पर्पज़ है मेरा, वो ये है ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, ठीक है। ज़्यादा 1-1.5 घंटे की वीडियो मेरे मायने में लंबी नहीं है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा लंबी हो, तो आप ब्रेक ले लीजिए और आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं या नोट से पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो क्योंकि एग्जांपल्स हैं वो पीछे वाले ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बात कर रहा हूँ, है ना। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जो कि हमारे माइंड से रिलेट करता है, मेंटल स्किल से रिलेट करता है, इफेक्टिव डोमेन फीलिंग से, मैंने बताया अभी अभी आपको रिसेंटली ही, और साइकोमोटर डोमेन जो मैनुअल फिजिकल, आप कह सकते हैं यहाँ पर ब्रेन, हार्ट और हैंड, ऐसे आपको बुक्स में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये अब ब्लूम ने जो 1956 के अंदर है जो ये आपको क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको बाद में 2001 के अंदर रिवाइज कर दिया गया था, ठीक है।
अब जो ये जो पोर्शन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, ये 2001 के अंदर है, जो रिवाइज्ड पोर्शन है, और ये आपको 1956 के अंदर है। इनिशियली है जो ब्लूम ने इसमें काफ़ी योगदान रहा है, सारा ही ब्लूम का है भाई, काफ़ी क्या, बेंजामिन ब्लूम, ठीक है, इनका कंप्लीट नाम। अब देखिए जो पहली प्रोसेस है वो नॉलेज है, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, नॉलेज, उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंड उसकी समझ करते हैं, समझने के बाद आप उसको एप्लीकेबल करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आप उसको एनालिसिस करेंगे, फिर सिंथेसाइज करेंगे और फिर इवेलुएशन करेंगे, ऐसे चढ़ते क्रम में, है ना, ये ऐसे लिख रखे हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और इनको यहाँ पर ये किस फॉर्म के अंदर थे, ये नाउन की फॉर्म में थे, और यहाँ पर ये किसके अंदर चेंज कर दिए, वर्ब की फॉर्म में, आई एन जी सभी के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। वर्ड बिल्कुल सेम रहेंगे, बस थोड़ी सी चेंज किया गया, नॉलेज को रिमेम्बरिंग बता दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, सिंथेसिस को यहाँ पर क्रिएटिंग, देखिए इंटरचेंज कर दिया गया, मैंने स्पेशल आपको मार्क कर रखा है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो इवेलुएटिंग इवेलुएशन को। तो अब एक एक करके सभी को समझते हैं, एग्जाम के अंदर ये भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। नॉलेज किसे कहेंगे, देखिए अब आपने अब तक जो भी मैंने सिखाया, जो भी आपने सुना, वो आपने अगर गैदर किया, ठीक है, इकट्ठा किया, समझने की कोशिश की, तो हो गए दो स्टेप्स, तो नॉलेज भी हो गई और अंडरस्टैंडिंग भी हो गया ना। लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको कौन सा एग्जांपल लें हम यहाँ पर, चलिए H2 और O2 का लेते हैं, वाटर का, H2 प्लस O2, टीचर कहता है कि ये H2O बन जाएगा, ये बैलेंसिंग हो गई है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो कहेगा सर बैलेंसिंग नहीं किया आपने, है ना, तो ये प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर, ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का, आप सीख लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि H2O क्या है भैया, वाटर का फॉर्मूला है, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को ली और आपने आपके दिमाग के अंदर ये भर ली है इन्फॉर्मेशन को, आपने चाबी डाल लिया भाई हाँ H2O का फार्मूला, सॉरी वाटर का फार्मूला H2O है, ये हो गई नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, आप उसके मीनिंग को समझ रहे हैं, आपने देखा घर जाके या आपने स्कूल में, ये तो आपको सब बचपन से ही पता है कि स्कूल में वाटर, आप सभी पानी भी तो पीते हैं भैया, ये वाटर है और इसका फॉर्मूला टीचर ने आज बताया हमें, वो H2O बताया, ये हो गई कॉम्प्रिहेंशन, समझना उस प्रॉब्लम को, समझना या उस वर्ड को समझना, उस मीनिंग को समझना, जो भी आपको सिखाया जाए, दैट मीन्स यू, मतलब आप समझ रहे हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे इसको। अब आती है बात एप्लीकेशन की, आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पर आप साथ के साथ डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन के अंदर, आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कैसे कहेंगे हम, मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, आपके टीचर्स ने बताया कि आप है जो H2O मींस वाटर का यूज़ करके आप है जो पानी और आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पता नहीं है तो आप समझिए, अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छा है, जब कहीं पर ज़्यादा आग लगी हो तो वहाँ पर अगर आप पानी से आग बुझाने की कोशिश करेंगे और पानी का अमाउंट कम है एज़ कंपैरिजन टू उस फायर के, तो पानी डालते ही आग एकदम तेज हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन आ गया, आपने अप्लाई तो की लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको ब्रेक किया H2 प्लस O2 के अंदर, आपको पता लगा कि ऑक्सीजन है वहाँ पर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की वजह से आग है जो इसलिए ज़्यादा तेज हो गई थी, हाइड्रोजन वहाँ पर बर्न हो जाती है और वो जो उसका वेपराइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, एक बार आप समझेंगे तो आप समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल दे देंगे हम, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पहले इस एग्जांपल को समझिए, H2O यहाँ आपने समझा, आपने इसको ब्रेक किया H2 के अंदर O2 के अंदर, यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये H2O, ठीक है। अब यहाँ पर एनालिसिस, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी अंडरस्टैंड, ताकि आप उसको समझ सकें, ये है एनालिसिस, ठीक है। अब सिंथेसिस किसे कहेंगे, सिंथेसिस आपने एक और इसके अंदर कंपोनेंट डाल दिया CO2, आपने हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर कार्बन को ले आए, आपने देखा होगा वो कैंस रखे होते हैं, सॉरी ये तो रॉन्ग नंबर हो गया ना, रेड कलर के कैन होते हैं ना ऐसे कुछ,
उनके ऊपर पाइप्स होती हैं ऐसे, और ये है जो आग बुझाने वाला होता है ना, ऐसे कैंस होते हैं यहाँ पर सीन लगे हुए। तो ये इसके अंदर क्या होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आसानी से आग बुझा देती है। ठीक है, तो आपने ये सिंथेसाइज किया कि आप H2 की जगह O2, सॉरी H2 की जगह C को ले आए, कार्बन को ले आए, तो आपको आसानी होगी। और फिर आप इवेल्युएशन कर रहे हैं कौन सा बेटर वे है, H2O का है या CO2 का है। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा बहुत केमिस्ट्री अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आपके टीचर ने बताया 2 + 2 = 4, या फिर 6 + 4 = 10। अब आपको शुरुआत में समझा कि ये एडिशन होती है, ये सब्सट्रैक्शन होती है, फिर आपने क्या किया, अब इसको कॉम्प्रिहेंशन की समझ की बार बार आप उनको रिपीट कर रहे हैं, आप किसी भी शॉप पे जाके उनको अप्लाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने ₹50 आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया, आपने कंप्लीट बिल लिया उनसे और देखा कि भी चार्जेस किन के एक्स्ट्रा लगाए, सभी का ब्रेकडाउन किया कंप्लीट बिल से, आपने हर एक चीज़ का जो रेट लिखा उनके ऊपर, और आपको पता चला ₹50 उन्होंने जो पैकेजिंग के ज़्यादा लिए या फिर जो पॉलिथीन बैग के उन्होंने ज़्यादा ले लिए। फिर हो सकता है आप सिंथेसाइज करें कि भी सर आपने तो गलत कर दिया, आप हमें ₹50 वापस दिए, हमारा जो अधिकार है पॉलिथीन बैग लेना, है ना। तो ये है एग्जाम्पल, हो सकता है आपको इस एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाए, या आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी जगह देखने को मिलता है, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आसानी से समझ जाएंगे इस क्लासिफिकेशन। करते हैं अब स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर और क्रिएटिविटी पर। अब रही बात ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, तो ठीक है, लेकिन उन्हें क्या कहा कि जो ट्रायार्की थ्योरी, इसको ट्रायार्की क्यों बोला गया, क्योंकि फर्दर डिवाइड की गई है तीन सब थ्योरीज के अंदर, कंटेक्चुअल सब थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी और कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। और हर एक थ्योरी जो कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी है किससे रिलेट करती है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से रिलेट करती है, एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी रिलेट करती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस से, और कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी करती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस से। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये अब हम समझेंगे। ठीक है, इन्होंने के इन थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो क्या होता है, जो सब थ्योरीज हैं ईच ऑफ विच रिलेट टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेट करेंगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, अगर आपको, देखिए आपने भी कभी किसी को कहा होगा, कहते हैं कि भी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन नेचर है। अब इसका मतलब क्या है, उसकी एबिलिटी टू सक्सेसफुल इंटरेक्ट विद द एवरीडे वर्ल्ड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑन इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब वो नई नई चीज़ों से इंटरेक्ट करता है और उनको हैंडल करता है, हम कह सकते हैं वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मीन्स क्रिएटिव मतलब अब उसकी एबिलिटी है जो वो नॉलेज के साथ है जो नए तरीके से किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है, दैट मीन्स क्रिएटिव इन नेचर। उसके पास जो सोर्स है, मान लीजिए आप किसी को देखो, अब मान लीजिए आपको दीवार के अंदर कील गाड़नी है, ठीक है, ये देखिए है तो थोड़ा ऑकवर्ड एग्जांपल, लेकिन ठीक है, अच्छा है आपके अगर समझ आ जाती है। तो ये कील है, मान लीजिए ऐसे ही बना देते हैं इसको, शार्प थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन हाँ ठीक है, ये कील है और आपके पास हैमर नहीं है, थोड़ा नहीं है ये, तो अब आप कैसे गाड़ेंगे बताइए, कैसे लगाएंगे आप दीवार में की। अब हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ ये देखेगा भाई हम शायद हैमर होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और आपके पास कोई पत्थर पड़ा है, स्टोन है, ईट है, ब्रिक है, जो भी है आपके पास, उसी से आप है जो वो कील को दीवार के अंदर लगा रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी का एग्ज़ाम्पल है। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल वैसे सफिशियंट है, क्रिएटिव मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, किसी के अंदर एबिलिटी होना जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज की मदद से किसी नई प्रॉब्लम को ऐसा जो उसको हैंडल कर सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, दैट मीन्स वो स्टूडेंट, वो पीपल क्रिएटिव इन नेचर है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस एक एकेडमिक इंटेलिजेंस है। एकेडमिक क्यों कहा गया, क्योंकि एनालिटिकल इंटेलिजेंस को हम मेज़र कर सकते हैं IQ टेस्ट के साथ। अब आप समझ गए हैं तीन तरह के जो इंटेलिजेंस जो हमने अब तक बात की, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब थ्योरीज के बारे में, जैसे कि कंटेक्चुअल थ्योरीज, कंटेक्चुअल सब थ्योरी। अब कंटेक्चुअल सब थ्योरी किससे रिलेट करती है, प्रैक्टिकल से, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटेलिजेंस इज इंटरवेन विद द इंडिविजुअल एनवायरनमेंट,
कि जो इंटेलिजेंस है वो किसके साथ कनेक्टेड है, उसके एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है। अब एनवायरनमेंट के साथ मतलब इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन द वे वन फंक्शन इन देयर एवरीडे सर्कमस्टांसिस इंक्लूडिंग वंस एबिलिटी, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग वो एक्शन कर रहा है ना। अब देखिए एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लिया है जिसके अंदर जो बच्चे आपस में बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं हम कह सकते हैं, तो अब उसके पास क्या च्वाइस है आप बताइए। या तो वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लें या फिर सेलेक्ट द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर वन सेल्फ। अब ये तो है ना कि भी सभी बच्चे ही ऐसे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हर एक क्लास में इंटेलिजेंट भी होते हैं जो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बस हो सकता है वो सेलेक्ट करे उस बेस्ट एनवायरनमेंट को, उसको बेस्ट समझने की कोशिश करे, और या फिर उस क्लास के एनवायरनमेंट को ही बदलने की क्षमता रखता हो सामने वाला। अब बताइए आप इनमें से कौन सा चूज़ करने वाले हैं, है ना। अडेप्ट टू वन एनवायरनमेंट मीन्स वो उसी में शामिल हो गया है, उसके प्रभाव जो उसके बिहेवियर में भी ये चीज़ें बैड वर्ड्स का यूज़ आ गया है, या फिर उसने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का साथ लिया है, या फिर उसने उस क्लास के एनवायरनमेंट को ही बदल दिया है, उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं। तो यह है कंटेक्चुअल थियरी, है ना, आपके एनवायरनमेंट से आप कैसे डील करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ आपका एनवायरनमेंट से। अब बात आती है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपीरियंशियल सब थियरी। एक्सपीरियंशियल सब थियरी किसे कहेंगे, दिस थियरी प्रपोज दैट देर इज़ ए कॉन्टीन्यूम एक्सपीरियंस फ्रॉम नोवल टू ऑटोमेशन। अब नोवल टू ऑटोमेशन का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी एक्शन या एनवायरनमेंट या स्टिमुलस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप इनिशियली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं नोवल, बिल्कुल नए सिरे से आप शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए एट द नोवल एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, बिल्कुल नए सिरे पर एक इंडिविजुअल कॉन्फ्रंट करेगा, मतलब अनफैमिलियर टास्क सिचुएशन एनवायरमेंटल सिचुएशन से वो क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। अब वहाँ पर उसको क्या देखने को मिलेगा, वे टू हैंडल विद इट, और उसको है जो वहाँ पर ये सीखने को मिलेगा कि हम इन नई सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब ऑटोमेशन एंड पर क्या होता है, उसके पास वो सभी फैमिलियर कंडीशंस होती हैं, फैमिलियर एनवायरनमेंट होता है जिससे कि उसको पता है। जैसे कि एग्जांपल क्या लें, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा गेमिंग, है ना, गेम्स है, आप गेम्स खेलते हैं, एक स्टेज के अंदर आप एक जगह जाकर आउट हो गए जो कि नई स्टेज थी। अब आपको ये एक बार आउट होने के बाद पता चल जाता है कि मेरी कमी यहाँ है और मैं इस वजह से, या मेरी गन रिलोड नहीं हो पाई तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आउट हो गया। नेक्स्ट टाइम आप जब वहाँ पर दोबारा उस स्टेज पर पहुँचेंगे तो आप उस कंडीशन से पहले ही फैमिलियर हो जाएंगे और आपको पता है मुझे पहले ही गन को रिलोड करना होगा या फिर मुझे दूसरे अस्त्र शस्त्र यूज़ करने होंगे, है ना। तो ये है हमारा ऑटोमेशन मोड जो कि बिल्कुल मिनिमल थॉट पर काम करता है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस आप चलते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्पोनेंशियल सब थियरी। कॉम्पोनेंशियल सब थियरी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, मेटा कॉम्पोनेंट, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। अब मेटा कॉम्पोनेंट किसे कहेंगे, देखिए आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, मेटा कॉग्निशन कर रहे हैं ना, इट अनेबल टू मोनिटर कंट्रोल एंड इवेलुएट आवर मेंटल प्रोसेसिंग। किसी और की नहीं कर रहे, आप खुद की ही मेंटल प्रोसेसिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम कह सकते हैं हमारे कॉग्निटिव थिंकिंग के बारे में ही आप कॉग्निशन कर रहे हैं, आप अपने विचारों के बारे में ही विचार कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं ना। सो दैट वी कैन मेक डिसीजन, हम इसलिए करते हैं, जैसे कि आपने एक्सप्लोरेशन किया ट्वेल्थ के बाद कि मैं ग्रेजुएशन का कौन सा कोर्स करूं, या फिर मैं कोई डिप्लोमा करूं, या फिर मैं कोई जॉब देख लूं ट्वेल्थ के बाद। अब ये एक्सप्लोरेशन किया आपने, आपके ही विचारों पर विचार किया और फिर डिसीजन लेने की सोची जो कि परफॉर्मेंस कहलाएगी। इट अनेबल अस टू टेक एक्शन ऑन द प्लान्स एंड डिसीजंस अराइव्ड एट बाय द मेटा कॉम्पोनेंट्स। जो आपने मेटा कॉम्पोनेंट्स में जो गोल्स तैयार किए या जो प्लान्स बनाए हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस करने का जो जो ये है जो कॉम्पोनेंट हमारा परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट कहलाएगा जब आप वहाँ पर एक्शन करेंगे, ठीक है। अब आता है नॉलेज एक्विजिशन। इट अनेबल अस टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। अब ये हमें नई इन्फॉर्मेशन के योग्य बना देता है, दैट विल हेल्प अस टू कैरी आउट अवर प्लान्स। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, मान लें आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन में आपको देखने को मिलेंगे BA, BSc, BBA और कौन से होते हैं BCA या BFA, बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, मुझे यही याद है ना, या फिर आपका फ्रेंड कहेगा कि भाई आप है ना
बीए के बाद एमए कर सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, बीबीए के बाद क्या होती है एमबीए कर सकते हैं, या बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं, एमएफए कर सकते हैं, मास्टर इन फाइन आर्ट, शायद ऐसा ही होता, मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं जो कि आपके प्लान्स में हेर फेर कर सकता है या आपकी मदद करेगा कुछ चीज़ों को सीखने में, आपकी मेटाकॉग्निशन में भी मदद करेगा। तो ये था हमारा क्या था, ये स्टर्नबर्ग ट्रायार्की थ्योरी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं कौन कौन से थे, मेमोरी बेस्ड है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, स्टर्नबर्ग ट्रायार्की थ्योरी है, और हमने जो पढ़ा था सीआईपी मॉडल है ना। तो ये सभी है जो क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर और नोट्स। अब रही बात नोट्स की, देखिए मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था कि नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ। नोट्स एक्सेस करने के लिए आपको अब की बार नोट्स है ना पेड रहेंगे, आपको 9 रुपीज़ पेड करने होंगे, बोले तो ₹9 ओनली, ₹9 पर PDF। जैसे कि 1 घंटे की क्लास है, ये 1 आवर क्लास है, इसके जो नोट्स होंगे आपको ₹9 में, जो UPI ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मेल कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और हम जो आपको पर्सनली नोट्स शेयर करेंगे, ऐसे अब की बार आपको नोट्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं नोट्स को लेते हैं, चिटिंग करते हैं, या एक दिन पहले मेरे पास मैसेजेस आए हैं पिछली बार कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए, मेरा कल का एग्ज़ाम है। तो ये कोई तरीका नहीं है भाई पढ़ने का, आप फ्री में ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। आप एक दिन पढ़ दें, मैं मानता हूँ आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप क्रैम करते हैं और जाकर है जो पढ़कर है जो एग्ज़ाम दे देते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप डिग्री लें, कुछ चीज़ें आपको सीखनी भी ज़रूरी हैं। तो सीखिए, एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स के दौरान आप तैयारी करेंगे और फिर आप डिग्री ले लेंगे और फिर आप फ्री में उन बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे जो किसी चीज़ के काबिल हैं, है ना। तो ऐसे आपको नोट्स मिलेंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।